कर्म। इस शब्द को समझने में शायद सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। निश्चित रूप से यह आज अंग्रेजी भाषा का हिस्सा बन गया है, पर इसे लाखों अलग अलग तरीकों से गलत समझा और जाना गया है। कई चीजें हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे कर्म की प्रकृति, उसका अर्थ भी वैसा निकलता है। कर्म की संरचना एक बहुत ही जटिल झंझट है, पर ऐसा है, वहां पे बहुत ही ज्यादा क्या कहें, भारतीय संस्कृति में बहुत लंबी कहानियां हैं कि दरबारी स्त्रियां कैसे गहने पहनती थीं। बहुत मशहूर दरबारी स्त्रियां सोने और हीरों से ढकी होती थीं, कोई कपड़े नहीं, वो बस गहनों से खुद को ढकती थीं। इतने जटिल गहने की जब कोई पुरुष उनके पास आता था तो उन्हें पता ही नहीं होता था कि इन गहनों को कैसे उतारें, क्योंकि वो जंजीरों का एक जटिल जाल होता था। वो चाहे जितनी मेहनत कर लें, पर गहनों को उतार नहीं पाते थे। गहने सुंदर होते हैं, पर जिस पुरुष का मन वासना से भरा है, उसके लिए ये रुकावट है। तो आम तौर पर वो स्त्री उसे शराब पीने के लिए बढ़ावा देती है, थोड़ी और, ताकि वो सो जाए और उसे और गहनों का उपहार देकर चला जाए। पर जब वो उन्हें उतारना चाहे तो बस एक पिन होती है जो आम तौर पर हमारे अनाहत की जगह होती है। ये एक पिन अगर वो निकाल दे तो सारे गहने एक साथ गिर जाते हैं, बस ऐसे ही गिर जाते हैं। कर्मबंद भी ऐसे होते हैं, वो जंजीरों का एक जटिल जाल है। उनमें से कुछ बेशक हीरे से सजे हैं, कुछ बदसूरत हैं, कुछ जंग लगी जंजीरें हैं, पर जंजीरें और जंजीरें और जंजीरें हैं, लेकिन सिर्फ एक ही पिन है। सिर्फ इसलिए कि आप सचेत रूप से उस पिन को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, यही मूल वजह है। मैं आपको बता दूं, लेट मी टेल यू द फंडामेंटल रीजन व्हाई देयर इज अ कल्चर और देयर इज अ ट्रेडिशन ऑफ डिपेंडिंग अपॉन अ गुरु। आध्यात्मिक विकास के लिए गुरु पर निर्भर रहने की संस्कृति या परंपरा होने का मूल कारण बस यही है कि आप चाहते हैं कि सही समय आने पर गुरु प्लग खींच ले, क्योंकि जंजीरों के इस जटिल जाल में आप नहीं जानते कि पिन कहाँ है। अभी अगर आप इसे खोजने की कोशिश करेंगे तो शायद आप हमेशा के लिए ढूंढते रह जाएंगे, और अगर आप ढूंढ लेंगे, अगर आप ढूंढ भी लें, तो आप इसे ऐसे तोड़ेंगे कि आप अपने जीवन को ही नष्ट कर देंगे। इसे कुशलता से नष्ट करना, ताकि सिर्फ कर्म का पहलू गिर जाए और आप एक मुक्त प्राणी की तरह जी सकें, इसके लिए काफी कौशल चाहिए। उसी हुनर की वजह से आप गुरु के पास आते हैं। आपके कर्म ऐसे हैं कि आपको मुझे सहना पड़ेगा। अगर आप इसे खुद कर पाते तो आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। तो सदगुरु, आप मेरा प्लग कब खींचेंगे? इसका मतलब कि आप अभी तैयार नहीं हैं। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आपको लगता है कि आपके कर्म एक बोझ हैं और आपको इससे छुटकारा पाना चाहिए, तो अभी आप तैयार नहीं हैं। अगर आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहां You have learned how to transform every memory. आपने ये सीख लिया है कि हर याद को, चाहे वो चेतन हो या अचेतन, सुखद हो या बुरी, सुंदर या भयानक, हर याद को खुशहाली में कैसे बदलना है। अगर आप उस स्थिति में आ जाते हैं तो मेरा पिन खींचना अच्छा होगा।
अब अगर आप पिन खींचते हैं, नाउ इफ यू पुल द पिन बिकॉज दिस इज नॉट लिबरेशन, दिस इज एन एस्केप, क्योंकि ये मुक्ति नहीं है, ये दूर भागना हुआ, इस शरीर से बाहर निकलने और आत्महत्या करने में अंतर है, ये दो अलग चीजें हैं, बिल्कुल अलग। आत्महत्या करना यानी आप एक कठिन परिस्थिति से बचना चाहते हैं, शरीर से बाहर आना यानी आपका समय पूरा हो गया है, समय समाप्त हो गया, तो आपको रिहाई मिल गई है, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। कंप्लीटली। अगर आप जेल से भाग जाते हैं तो आपको जीवन भर भागते रहना पड़ेगा, पर अगर आप जेल से मुक्त हो गए हैं क्योंकि आपका समय पूरा हो गया है, तो आप आजाद हैं। ये एक बड़ा अंतर है।